दादो तहरीक इंसाफ सुंदे के रहनुमा नवाब ज़ादा मीर शुजाउल्ला खान पिन्होर की दादो प्रेस क्लब आमद प्रेस क्लब में आतिशजदगी वाक़े पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार। नवाब ज़ादा मीर शुजाउल्ला खान पिन्होर की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। देखें, ये आरओज डीआरओज जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो सारे भाई हमारे इन्फ्लुएंस्ड हैं पीपल्स पार्टी के, उसमें तो मुझे तो नहीं लगता, मेरी जाती राय, तो ख़तरा तो है। तो जैसे भी सारी बड़ी पार्टीज हैं वो इस चीज़ पे गौर करें, और हम भी अपने हलकों में गौर करेंगे कि धांधली नहीं हो, पर खदशात हैं कि होंगी, तो फिर देखते हैं अल्लाह के हवाले। दादू की सूरत हाल इस वक्त जैसे फॉर्म सब ने सबमिट किए हैं, मैंने भी किए हैं, और इंशाल्लाह जब स्क्रूटनी के बाद बहाल होंगे तो फिर अगला लायमल भी देंगे, और दादू की आवाम के ऊपर है कि वो क्या चाहती है, हुक्म करेंगे तो खड़े होंगे। कारकर्दगी जी आप लोगों के सामने, मुझे मैं क्या बता सकता हूँ, तरक्की जितनी दादू में दिख रही है वो आपको सबको पता है, बाकी नुमाइंदे जो भी हमारे भाई हैं सारे मुसलसल यही लोग आ रहे हैं, और तरक्की दिख तो नहीं रही, अल्लाह उनको हिदायत दे, और अगर आवाम चेंज चाहती है तो फिर दूसरे किसी को मौका, किसी दोस्त को मिलेगा तो इंशाल्लाह वो ऐसा दोस्त होना चाहिए, आवाम से गुजारिश है कि वो खिदमत कर सके दादू की, दादू की आवाम की, दादू की तरक्की का सोचे, सेहत के हवाले से और अमन अमान के हवाले से, और लॉ एंड ऑर्डर का जो भी मसले हैं यहाँ पे, और एजुकेशनल जो भी प्रॉब्लम हैं, स्कूल्स के मसले हैं और इनएक्टिव स्कूल्स हैं, और सारे ये मसले बेसिक जो चीज़ें हैं वो इन पे नुमाइंदे थोड़ा फोकस कम कर रहे हैं ये वाले, और नए अगर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे हुक्म हो रहा है आवाम की तरफ से कि भाई आप खड़े हो जाए, तो हम बिल्कुल, अगर हम जीत गए तो बिल्कुल खिदमत करेंगे। जनरल इलेक्शन में पीटीआई जो और जीडीओ जो हिस्सा लिया था, इन दफे भी तो पीटीआई